हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेबिलिन के इस फिट मी ब्लश का रिव्यू। ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले नायका से कुछ सामान ऑर्डर किया था, तो ये ब्लश भी मैंने उसी टाइम पे ऑर्डर किया है एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस ब्लश सिंस देन। तो आज की वीडियो में यही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि लाइक ये कैसा है, इज इट वर्थ बाइंग और नॉट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जंप इनटू द रिव्यू। ओके, सो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं इसके कंटेनर की। सो बेसिकली ये एक प्लास्टिक कंटेनर में आता है और इसका इसमें जो मैंने अब शेड मंगवाया है वो है रोज 30 रोज, यू गैस कैन सी पीछे लिखा हुआ है। एंड इसकी इसका प्राइस है 440 रुपीज़, बट देन ये मुझे आई थिंक नायका से 350 रुपीज़ के अराउंड पे मिला था। मैंने ये होली के टाइम पे परचेज किया है ये ब्लश, तो मुझे थोड़ा सा सेल पे मिल गया था 350 में। मैं आपको इसका प्रोडक्ट क्वांटिटी 4.5 ग्राम का ये प्रोडक्ट है और मैं इसको थोड़ा सा आपको ओपन करके पहले दिखाती हूँ। आउच, यस, हियर यू गाइस कैन सी ये कैसा शेड है। मैं इसका थोड़ा सा आपको स्वॉच दिखाती हूँ सबसे पहले। यू गाइस कैन सी, या सो अब हम बात स्टार्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट की। सो आप लोगों को आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, आई थिंक यू गाइस कैन, कि ये थोड़ा सा इसमें चंकी पार्टिकल्स हैं। आपको अगर मेरे स्वॉच से दिखते हैं तो येस, आई होप यू गाइस कैन सी, आप देख सकते हो। सो ये ब्लश जो है ये बिल्कुल भी मैट ब्लश नहीं है, जबकि जब मैंने इसे परचेज किया था और जितने भी मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे थे इसके, उनसे मुझे लगा था कि ये मैट होने वाला है, बट देन ये थोड़ा सा शाइनियर साइड पे निकला। इसमें थोड़े थोड़े से ग्लिटर के चंकी पार्टिकल्स हैं, विच आई काइंड ऑफ डिडंट लाइक अबाउट इट, बिकॉज मैंने ये अपने डेली यूज़ के लिए लिया था, बट देन आप यू लाइक यू नो इतना ऐसा थोड़ा सा ग्लिटरी ब्लश डेली यूज़ पे, स्पेशली डे टाइम पे अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई डेट है, कोई स्पेशल ओकेजन है, तब तो बात अलग है, बट देन अगर आपका नॉर्मल डेली लाइफ है, इधर यू आर कॉलेज गोइंग या फिर आपको ऑफिस जाना है, तो फिर मुझे पर्सनली थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता है ऐसा। मुझे मैट ब्लश ज़्यादा पसंद है, या फिर मैं जो बेनिफिट का बेने टिंट है वो ज़्यादा लाइक यू नो प्रेफर करती हूँ उसे अप्लाई करना एज अ ब्लश। सो मुझे इसका ओवरऑल टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बटरी स्मूथ एंड पिगमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड ब्रश है, थोड़ा सा आपको अपने बहुत ही आराम से इसको अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड हो जाएगा। मेबिलिन की ब्लशेज में होते ही ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं ये। सो मेरे पास मेबिलिन का एक और ब्लश है कलर शो वाला, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। बट वापस से इस ब्लश पे आ जाते हैं, ये अगर मैट होता ना तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। मैंने हालांकि अभी थोड़ा सा ब्रश ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, बट मैं आपको इसे भी थोड़ा सा उसके ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ। एक सेकेंड, यू गाइस कैन सी एकदम से इसने मेरे चीक्स को पिंकी पिंकी कर दिया है। मुझे इसका कलर पर्सनली बहुत अच्छा लगा, रोज जैसे इसका नाम है वैसे इसका कलर भी। आप देख सकते हो मेरे चीक्स कितने ज़्यादा हेल्दी और पिंक लगने लगे हैं, बट इसका जो थोड़े से जो शाइनी पार्टिकल्स है ना वो मुझे पसंद नहीं आया, बिकॉज डे टाइम के लिए ये अच्छा नहीं है, बट नाइट टाइम के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ब्लश है। और आप इसे नाइट टाइम में बहुत ही बिना किसी प्रॉब्लम के इजिली कैरी कर सकते हो इस ब्लश को। फेयर टू मीडियम और मीडियम से एक दो शेड डार्क स्किन टोन वाली लड़कियों के ऊपर ये ब्लश काफ़ी ज़्यादा खिलेगा, और इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी इसकी प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो इसे परचेज करने के लिए। मैंने आपको इसका रिव्यू इसका स्वॉच तो आपको मैंने दिखाई दिया, तो आपको इसके कलर का इस पर्टिकुलर शेड के कलर का आइडिया लग गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टेइंग पावर की। तो ये ब्लश काफ़ी ज़्यादा देर तक आपके चीक्स पे स्टे करता है, बहुत आराम से 5 to 6 आवर्स तो कहीं भी नहीं गए इस ब्लश को लगाने के बाद। 5 to 6 आवर्स के बाद आपको हो सकता है थोड़ा सा टचअप करना पड़े, बिकॉज गर्मी आ गई है ऑलरेडी, आप देख सकते हो मेरा भी कितना स्वेटिंग हो रही है, तो स्वेटिंग की वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत इसका कलर चला जाए, बट देन टचअप कर लोगे आप तो फिर देयर इज नो प्रॉब्लम। 5 to 6 आवर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा अमाउंट होता है एक ब्लश को आपके चेहरे पे टिके रहने के लिए। तो या इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ मैट ब्लश, देन दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन फॉर यू। आप बाकी ब्लशेस को ट्राई कर सकते हो, बट अगर आपको थोड़ा सा ग्लिटर आपके ब्लश में पसंद है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस ब्लश। और मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगी कि आप इसे परचेज करो। जिन लड़कियों को शाइनी एंड ऐसे ब्लशेस पसंद है जिसमें थोड़ा सा ग्लिटर पार्टिकल्स हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ब्लश होने वाला है, बिकॉज इसे लगाने के बाद आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लगोगे, आपकी चीक्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्लो आ जाएगा इसके साथ साथ, बिकॉज ऑफ द चंकी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दिस ब्लश। सो
या ये था मेरा छोटू सा रिव्यू इस ब्लश के ऊपर। आई होप आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया होगा या आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा भी आपके लिए यूज़फुल रही या आपको ये वीडियो पसंद आई, तो देन मेक श्योर आप इस वीडियो को एक लाइक दे देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।